क्यों ऐसा देर हुआ इसके बारे में जानते हैं। क्या अंदर में बहुत ज्यादा द्वंद्व था या कोई द्वंद्व नहीं था? पार्टी ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, मैं माननीय सावधान सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे पुनः विश्वास व्यक्त किया और मैं दूसरी बार यह सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के 65+ के जो फिगर है उसको मैं निश्चित रूप से सफल बनाने में एक सीट का योगदान दूंगा। बहुत सारे प्रत्याशी थे, आप ही को क्यों क्या लगता है कि इस तरह से आपको हो सकता है? निश्चित रूप से मैं इस क्षेत्र का विधायक था, सिटिंग विधायक था, सिटिंग विधायक होने के नाते मैंने जनता के बीच में काम किए थे, पार्टी के पास पूरा फीडबैक था कि मैंने 5 साल में क्या क्या किया है, मैंने अपने ऊपर कोई आरोप नहीं आने दिया, मैंने जनता के बीच में सेवा का काम किया, मैंने मेकाहारा में बैठकर 35,000 से अधिक मरीजों का, प्रदेश भर के मरीजों का निःशुल्क इलाज कराया, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए से अधिक के काम कराए। जहां तक दावेदारों की बात है तो निश्चित रूप से वे हमारे सब वरिष्ठ नेता थे और उनका भी हक बनता है, निश्चित रूप से हक बनता है, वर्षों से वो पार्टी के लिए मेहनत करते थे। मैंने पहले भी कहा, आज नहीं कह रहा हूँ इसको, मैंने कई बार ये जो पिछले 10-12 दिन का जो गैप रहा इनमें मैंने इस बात को दोहराया कि जिन लोग टिकट मांग रहे हैं वो भी मेरे से ज्यादा योग्य है, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे विश्वास व्यक्त किया मेरे ऊपर, मैं निश्चित रूप से पार्टी की कसौटी में खड़ा हूँ। कौन सा प्रतिद्वंदी लगता है आपको बहुत बड़ी? देखिए, हमारी लड़ाई पंजा छाप से है, प्रत्याशी कौन होगा हम इसकी चिंता नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कमल छाप में चुनाव लड़ते हैं, हमारे नेता डॉक्टर जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं और सामने हमको लड़ाई लड़नी है कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप से, प्रत्याशी कौन होगा इस बात की चिंता नहीं है। निश्चित रूप से नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। चलो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।